डरा यह देश, कहा हमारे यहाँ 2 लाख के बीमार होने की आशंका। सऊदी अरब को डर है कि उसके यहाँ कोरोना वायरस की वजह से करीब 2 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस बात की आशंका सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने जाहिर की है। साथ ही उन्होंने अपने देश के लोगों से गुजारिश की है कि वे कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर जो नियम बताए गए हैं उनकी सख्ती से पालन करें। 3 करोड़ की आबादी वाले सऊदी अरब में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 2,795 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 41 लोगों की मौत हो चुकी है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल वाले 6 देशों में यह सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब ने अपनी सारी यात्री उड़ानें रद्द कर दी हैं। व्यावसायिक गतिविधियां बंद है। सभी बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रियाद में लॉकडाउन है, इसके बावजूद कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं। तौफिक अल रबिया ने कहा कि आज हम एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि समाज को सुरक्षित रखें। हमें इस वायरस से बचने के लिए सभी प्रयास करने पड़ेंगे। तौफिक ने कहा कि हमारे यहाँ की कई 4 स्टडी के अनुसार सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से अगले कुछ हफ्तों में 1 लाख से लेकर 2 लाख तक लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। तौफिक ने लोगों को हिदायत देते हुए कहा है कि अब भी लोग इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं। सऊदी अरब में 50% लोग ही सरकार की बात मान रहे हैं। आम सभाएं करना बंद कीजिए, समूहों में मिलना बंद कीजिए, वहीं सड़कों पर निकलना भी बंद करिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अभी सऊदी अरब में जो स्थिति है उसके मुताबिक हमारी सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने और उसे हराने में करीब 4 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। यह एक मुश्किल दौर है।